जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो आप लोग की वैकेंसी 2019 में निकल के आई थी। जी हाँ, 20 फरवरी 2019 तक आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे, 429 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी। फिजिकल आप लोगों के यहाँ पे हुए, इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग का होने का नाम नहीं ले रहा था। कई प्रकार से, कई तरीके से आप लोग को जानकारियां दी गई। जी हाँ, नोटिस के माध्यम से, ओरल रूप में, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली आप लोग को प्रोवाइड कराई गई। फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन मार्च 2023 की रही हो, जून 2023 की रही हो, या फिर इससे पहले। जी हाँ, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई कि अब किसी भी नोटिस पे बिलीव करना मुश्किल था। लेकिन 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 जुलाई 2023 में एक नोटिस के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिली यहाँ पे कि आपके रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। और बिल्कुल आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम सीआईएसएफ करवा रहा है। जी हाँ, सीआईएसएफ रिटर्न एग्जाम करवा रहा है। इस बार किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, सीआईएसएफ की लिंक दिया है भर्ती देखो पे जाकर के, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। जी, नोटिस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में सीआईएसएफ ने जो है एक नोटिस दिया है जो कि 2019 के रिटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग ही है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग का ये नोटिस है जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त को आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वालों का। तो काफी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे, अब आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते हैं 12 जुलाई 2023। जी हाँ, 12 जुलाई 2023 से ही आप लोग के यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। आप लोग भर्ती देखो पे जाकर के वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दूंगा, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 12 जुलाई से आप लोग के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, समय है आप लोग के पास, तैयारी में आप लोग लग जाइए। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पे, आप लोग आईडी पासवर्ड डाल करके ही आप लोग यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड को जनरेट करेंगे, यानी कि प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, ये आप लोग का एडमिट कार्ड से रिलेटेड होगा। लेकिन एक नोटिस और मेरे पास आया हुआ है, तो अब जो भी नोटिस है उस पर बिलीव किया जा सकता है क्योंकि अभी आप लोग की डेट वेबसाइट पे आ चुकी है। तो इस नोटिस के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं आपके एग्जाम सेंटर्स वगैरह की और क्या क्या चल रहा है। A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें और एक लाइक तो बनता है क्योंकि आपके रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं इतने लंबे समय के बाद। जी, आप लोग देख सकते हैं 7 जुलाई का ही ये बिल्कुल जो भी लेटर वगैरह है इसमें आप लोग को बताया गया है। लेटर जो भी सेंड किया गया है कंसर्न जितने भी सेंटर्स वगैरह जो भी इनके अपने, ठीक है, आईजी वगैरह जितने भी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, हेड कांस्टेबल 2019 कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये लेटर सेंड किया गया है डिपार्टमेंट में इधर से उधर। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया हेड कांस्टेबल की जो भर्ती थी तीन फेज में आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं। इस लेटर में भी बिल्कुल क्लियर है 23/7, 30/7 और 6/8/2023 को यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं। और ईच फेज विल हैव 2 शिफ्ट, यानी कि प्रत्येक दिन आप लोग के 2 शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। यानी कि यदि इसे क्लियर किया जाए तो 6 दिन आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं, 1 दिन आप लोग के 2 शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग। बिल्कुल यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हैं एग्जाम देने वाले, 3,03,000 कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो 2 शिफ्टों में आप लोग की एग्जाम हो रहे हैं, 3 दिन आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम की तैयारी आप लोग कीजिए, समय आप लोग को मिला है। बिल्कुल जो मेहनत, जो तपस्या आपने करी है उसका परिणाम आप लोग को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए लेटर ही है, इसमें पहले भी मैंने आप लोग को कई प्रकार से जानकारियां दी हैं इसी प्रकार की। तो आप लोग देखेंगे जो RRC है वहां पे कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे उपलब्ध होने वाले हैं और डेट का शेड्यूल भी दिया हुआ है। NCR जोन न्यू दिल्ली में आप लोग देखेंगे 57,724 कैंडिडेट है, जिसमें की 23 तारीख को, 30 तारीख को और 6 तारीख को सभी दिन यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं और दोनों शिफ्टों में एग्जाम होंगे क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा हैं, 57,724। मुंबई यहाँ पे 12,434। जी हाँ, इसमें भी तीनों दिन दोनों फेस में आप लोग का। इसी प्रकार से कैलकाटा का जो है NEZ सेकंड जोन 24,437, जिसमें कि तीनों दिन यहाँ पे आप लोग के दोनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं। इसी प्रकार से भिलाई का आप लोग देखेंगे तो 22,740 कैंडिडेट है, जिसमें कि तीनों दिन और सेकंड तीन दोनों फेसों में आप लोग के एग्जाम होने हैं। इसके अलावा चेन्नई में आप लोग देखेंगे 20,587, तीनों दिन और दोनों फेस में एग्जाम होने वाले हैं।
चलिए इसी प्रकार से गुवाहाटी, न्यू दिल्ली आप लोग देख सकते हैं, रांची, जी हाँ न्यू दिल्ली आप लोग काफी कैंडिडेट है, 113,326 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी तीनों फेस में आप लोग के एग्जाम है, और मीन्स दोनों फेस में तीनों दिन सभी जगह जो है यहाँ पे तीनों दिन और दोनों फेस में एग्जाम हो रहे हैं। टोटल 3,03,000 कैंडिडेट आप लोग के यहाँ पे हैं। जी हाँ, तो आप लोग को जानकारी लग गई यहाँ पे किस किस सेंटर पे कहाँ कहाँ कितने कितने कैंडिडेट है। इसके अलावा कुछ जानकारियां और दी गई हैं जो कि डिपार्टमेंट की इंटरनल है अपनी, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को बताया कि आउट ऑफ 55 रिटर्न एग्जाम सेंटर, यानी कि 55 रिटर्न एग्जाम सेंटर्स हैं आप लोग के, जिसमें 10 रिटर्न एग्जाम सेंटर ऑफ एनसीआर सेक्टर के, जो 10 रिटर्न एग्जाम सेंटर हैं, और एक सेंटर नॉर्थ सेक्टर एंड एक सेंटर जो है वेस्ट सेक्टर का है। इसमें न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, ये न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा जो जहां पे कि रीटेस्ट हुआ था कैंडिडेट का, आप लोग को पता होना चाहिए। जी हां, फॉर रीटेस्ट कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो जिनका जो यहाँ पे री एग्जाम वगैरह दोबारा लिया गया था तो उनको फिजिकल वगैरह, तो यहाँ पे जो है न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा क्योंकि उसी के अनुसार जो है आप लोग का आगे का प्रोसेस चलने वाला। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को विजिलेंस टीम्स वगैरह, चलिए इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, एक दो दिन पहले उन्हें पहुंचना है, ये सारा कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को मैसेज के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी, जैसा कि डिपार्टमेंट में कहा जा रहा है SMS और मेल के माध्यम से भी रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी। जी हाँ, किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, लंबे समय के बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो रहा है, और ऐसा नहीं कि सभी कैंडिडेट यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो मेल और मैसेज के माध्यम से भी सभी को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो सेक्टर है, जैसे कि NCR सेक्टर में टोटल कितने कैंडिडेट थे, तो यहाँ पे सभी स्कूलों की जानकारी भी आप लोग दे दिए, किस स्कूल में कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे दोनों शिफ्टों में भाग लेने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है। तो NCR में आप लोग यहाँ पे देखेंगे झंडेलवालान मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है, वेस्ट दिल्ली में भी यहाँ पे है पालम, इसी प्रकार से आप लोग का जो है गुरुग्राम हरियाणा में है, और नरेला दिल्ली के अंतर्गत, इसी प्रकार से स्वास्थ्य विहार दिल्ली है, कोंडली दिल्ली है आप लोग की, और नवयुग मार्केट गाजियाबाद, जी हाँ नवयुग मार्केट गाजियाबाद में भी आप लोग का सेंटर है। इसी प्रकार से नवयुग मार्केट गाजियाबाद में ही आप लोग के दो सेंटर हैं, ठीक है, बालिका विद्यालय है, और इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में आप लोग का, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, यहाँ पे आप लोग के सेंटर है, 6,000 कैंडिडेट आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी शिफ्टों के बच्चों की जानकारी दी गई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को NS रीजन में आप लोग देखेंगे राजस्थान, जयपुर राजस्थान वगैरह, टोंक राजस्थान हो गया आप लोग का, और रामगढ़ रोड हो गया आप लोग का, इसी प्रकार से जयपुर राजस्थान हो गया। इसके अलावा आप लोग का कॉलेज ऑफ रोड कोटा आप लोग का हो गया राजस्थान, और नया गांव आप लोग का हो गया कोटा, इसी प्रकार से हाईवे जलगांव यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा आप लोग देख रहे इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को जानकारी दी गई है राजस्थान हरियाणा वगैरह की, और इसमें जैसे जैसे आप लोग नीचे आते हैं इष्ट का है आप लोग का यहाँ पे देखेंगे रांची झारखंड के अंतर्गत, और रांची झारखंड, तो यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट देखेंगे अप्रोक्सीमेट जो है 6,000 के आसपास ही है सभी स्कूलों में। जी हाँ, सभी स्कूलों में आप लोग देखेंगे यहाँ पे झारखंड वगैरह में, झारखंड में भी काफी कैंडिडेट हैं। और इसी प्रकार से NES 2 इसमें आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आप लोग के जो भी सेंटर जो भी स्कूल वगैरह हैं, जी हाँ स्कूल कॉलेज हैं आप लोग के, ऑफलाइन ही आप लोग के यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, और टोटल कैंडिडेट अप्रोक्सीमेट जो है आप लोग के 6,000 के अराउंड ही है सभी में। इसी प्रकार से CS में आप लोग देखेंगे सेंट्रल में आप लोग का भिलाई छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ भिलाई के अलावा आप लोग का MP चेन्नई और SS, जी हाँ साउथ में आप लोग देखेंगे चेन्नई आप लोग का हो गया, और RCपुरम हैदराबाद, और इसमें आप लोग का जो है केरला एर्नाकुलम आप लोग का हो गया, इसी प्रकार से LIC मिलेनियम सर्कल, और इसके अलावा नवी मुंबई हो गया, गुजरात में आप लोग के सेंटर्स है वेस्ट का, ठीक है, और इसमें वडोदरा आप लोग का गुजरात हो गया, और NES में आप लोग देख सकते हैं आसाम आप लोग का हो गया, और कमरूप आप लोग का हो गया, इसी प्रकार से आप लोग देखें, ठीक है। तो पूरी लिस्ट आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है कि आप लोग के स्कूल कॉलेज वगैरह और कितने कितने सेंटर हैं, सभी सेंटरों पे ये आप लोग मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेट 5,500 से 6,000 के बीच कैंडिडेट, यदि आप लोग एवरेज लगाएंगे तो 5,000 के आसपास
5,300 कैंडिडेट सभी स्कूलों में आप लोग के यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रिटर्न एग्जाम में 3,03,000 बच्चों की जानकारी दी गई है। आप लोग को मेल और मैसेज के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी। तो एग्जाम आप लोग के हो रहे हैं, टोटल कैंडिडेट पूरी A to Z जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है जैसे ही मुझे जानकारी मिली। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो टर्म। जी हाँ, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय से प्राप्त करने के। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।